हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्कड़ बनारसी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बेबी कॉर्न, जिसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम पानी को गर्म करेंगे। पानी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे बेबी कॉर्न्स को। यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न्स को पीस से कट कर लिया है। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि हमको पानी में नमक नहीं डालना है, नमक डालने से हमारे कॉर्न्स सॉफ्ट हो सकते हैं। अब एक बोल में हम करीब 3 से 4 चम्मच लेंगे मैदा। करीब 2 चम्मच राइस फ्लोर, करीब 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, और करीब आधा चम्मच नमक। सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने बॉईल किए हुए बेबी कॉर्न्स को डाल के इनकी हम ड्राई कोटिंग करेंगे। अच्छे से ड्राई कोटिंग हो जाने के बाद इसमें करीब हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल के फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल को गर्म करेंगे और अपने ये बेबी कॉर्न्स को डीप फ्राई करेंगे। दूसरी कढ़ाई में हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल जब हमारा गरम हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी ग्रीन चिली, 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज जब हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा विनेगर, करीब आधा चम्मच सोया सॉस। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे करीब आधी कटोरी कॉर्न स्टार्च की स्लरी, स्लरी डालने के बाद तो करीब हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे।
फिर इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए बेबी कॉर्न्स को। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमारा ये बेबी कॉर्न बन के रेडी है। आइए इसकी हम अब प्लेटिंग करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।